हे गाइज, वेलकम बैक टू माई वर्ल्ड। और आज मैं लेके आई हूँ एनिमल्स वाला प्रोडक्ट। आप यहाँ देख रहे हो डॉग, बफेलो और काऊ के लिए, और ये बाकी सब एनिमल्स के लिए चलेगा। ये उन जो उनके बॉडी पर फ्लीज और टिक्स हो जाते हैं, मतलब जो कीड़े हो जाते हैं एनिमल्स वाले, वो उसको निकालने के लिए है। ये 150 ग्राम का है, उसमें परमिथ्रिन, सेट्रीमाइड एंड एलोवेरा सोप है ये, और इसका नाम टिक आउट है। और ये फॉर वेटरिनरी यूज ओनली है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक डॉगी है, हम उसके लिए लेके आए हैं। उसके बॉडी पर फ्लीज हो गए हैं जिसे पिस्सू बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये 140 का है, 150 ग्राम 140 में आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्शन फॉर यूज ऑन अ वेट कोट, अप्लाई सोप टू मार्क रीच लेदर, मसाज वेल स्टार्टिंग फ्रॉम द शोल्डर एंड मूविंग टू द टेल, रिंस विद वाटर, रिपीट इफ नेसेसरी, डू नॉट लेट योर कैट और डॉग लिक द सोप लेदर। ठीक है, ये उनके गीले बॉडी पर हमें इसे लगाना है, अच्छे से कोट कर लेना है और उन्हें ये लिक करने नहीं देना है। ठीक है, और कॉशन क्या है, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद आईज, आईलिड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन केस सोप गेटिंग इन टू द आई, रिंस विद एक्सेस ऑफ वाटर, डू नॉट ईट और स्मोक वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट, और हैंड वॉश कर लेना है अच्छे से यूज करने के बाद उसे। और इसे 4 मंथ के पपीज के 4 मंथ के जो छोटे होते हैं उनको नहीं यूज करना है। ये देखो, हमें ग्लव्स यूज करना पड़ेगा वरना यह हमें इचिंग और रैशेस देंगे। ये इतना डेंजरस सोप है। और हमारा शीरो को, इसका नाम शीरो है और हमने इसे लगाया है, लगाने के वक्त इसने वीडियो करने नहीं दिया हमें, क्योंकि इसे बाथिंग करने के लिए हम 3-4 लोग लगते हैं, क्योंकि ऐसे भागते रहता है, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता है क्योंकि इसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप देख रहे हैं लगाने के बाद इसे हमने लगा लिया है, आप देख सकते हैं उस पर, और यह भाग रहा है क्योंकि इसे भी बहुत ईचिंग हो रही है ये सोप लगाने के बाद से। वो देखो आप देख रहे हैं उसको क्या हो रहा है। ये लगाने के बाद होता है इन लोगों को ईचिंग, तो हमको भी होगा, इनको हो रहा था, हमें क्यों नहीं, इसलिए हमें ग्लव्स यूज करना है। ठीक है, उसे फ्लीज हो गए हैं इसलिए हमने ये लाया है मेडिकल स्टोर से। और आप देख सकते हैं अब इसने पूरे नहाके हो गया है, इसका अब नहाके हो गया है, इसलिए अब ये अच्छे से बैठा है, पर हमसे नाराज है क्योंकि हमने इसे क्यों बाथिंग कराया। ये बहुत गुस्सा है जब नहाता है तब, क्योंकि इसे बाथिंग पसंद नहीं है। पर आप देख सकते हैं इसके बॉडी पर जो आपको फ्लीज दिख रहे हैं ना, ये मरे हुए फ्लीज है। मतलब वो जब हम सोप लगाएंगे ना और उससे आधा घंटा रखना है उनके बॉडी पे, फिर हमें डॉग को वॉश करना है, फिर उनके बॉडी पर जो वो अंदर ही मर जाते हैं। ये देखो, इसके बॉडी पर ऐसे ही लगा हुआ है, अंदर ऐसे मर गए हैं, आपको दिखाती हूँ, ये देखो। और ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, इसे हम 2-3 बार यूज करेंगे तभी आराम से निकल जाएंगे फ्लीज डॉगी के बॉडी पर से। तो आप, अगर ये आपको यूजफुल लगे तो आप आपके डॉगी के लिए ले सकते हैं। ये देखो, ये मरा हुआ फ्लीज है, उसके बॉडी पर था, ऐसे बहुत सारे हैं, मर गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ एनिमल ट्रीटमेंट के लिए है। ठीक है, वरना ये आप यूज़ कर लोगे, अच्छा स्मेल आ रहा है सोप का, एलोवेरा क्या है ना ये, इसलिए। पर ये आप लोगों के लिए नहीं है, आपको ये यूज़ नहीं करना है। और छोटे पपीज़ और कैट्स और की कोई भी एनिमल्स को, छोटे वाले जो 4 मंथ से पहले यंगर है उनको नहीं यूज़ करना है, उनके बड़े लोगों के लिए ही है ये। ठीक है, इनके फेस एरिया पर हमें ध्यान से लगाना है, अगर वहाँ फ्लीज और टिक्स है तो। अगर इनके आँख में चले जाएगा तो बहुत ही डेंजरस रहेगा, और ये तो बता भी नहीं पाएंगे, पर इनकी आँख चली जाएगी। तो हमें बहुत ही ध्यान से लगाना है इन्हें, अगर हम इन्हें प्यार करते हैं तो।